आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे तो आज आप वीडियो बन देना है क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है क्योंकि आज मैं कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ यहाँ पर और स्पेशली मैं बता दूँ जो कि बी टी सी के स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे सर मेरे लिए कोई स्पेशल नोटिस नहीं आया स्पेशल नोटिस नहीं आया स्पेशल नोटिस नहीं आया तो आज उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके लिए भी स्पेशल नोटिस आ चुका है तो आप लोग ऑफिशियल नोटिस भी दिखाऊंगा आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाऊंगा तो आप लोग वीडियो में बने रहे आज तक मैंने जितने भी वीडियो थे सारे इन्फॉर्मेटिव रहे हैं तो आज का भी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है और आज से मैं एक नई चाल चलाने जा रहा हूँ यहाँ पर नई जो कि रहने वाली है अगर आप कोई भी कमेंट करते हो और वो कमेंट मुझे अच्छी लगती है कोई भी मोटिवेशन क्विट डालते हो कमेंट बॉक्स में या कुछ अच्छा कमेंट डालते हो मेरे प्रति या स्टूडेंट के प्रति या कुछ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग्स या यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग्स की सर मुझे इस फाइनल के लिए मांग कीजिए या जो कुछ भी हो कुछ स्पेशल कमेंट कीजिए कुछ हटकर कमेंट कीजिए तो आपकी नेक्स्ट वीडियो में कमेंट ज़रूर दिखा जाएगी हर वीडियो में तीन स्टूडेंट्स की कमेंट शो की जाएंगी तो आज की भी मैं कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जो ब्राइट अकेडमी करके हैं तो उनकी भी कुछ कमेंट्स मुझे अच्छी लगी तो उनकी कमेंट मैं दिखाऊंगा एक रिया सोनी है उनकी भी मैं कमेंट दिखाऊंगा तो आप लोग वीडियो बने रहें सारा सब कुछ बताने वाले हैं वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें तो सीधी बात नो बकवास लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो देख सकते हैं डियर आपके सामने एक कमेंट है जो रिया सोनी ने की है जो बोल रही हैं सर दो बैच मैथ फर्स्ट सेमेस्टर में केवल बैग है क्या होगा प्लीज़ रिप्लाई मैंने इसको रिप्लाई भी किया है स्टूडेंट्स को तो इन इन्होंने पूछा तो मैंने इसको बता दिया है कि क्या रिप्लाई है क्या होने वाला है तो जो बैक वाला है मैंने बैक का वीडियो डाला है अगर बैक से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट्स हो अगर बैक पेपर है आपका तो उसका वीडियो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसका वीडियो आप लोग देख लें नहीं तो चैनल पर जाइए यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम डेट करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई सारी वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट कमेंट दिखाते हैं आपको डियर जो कि रहा है हमारे सामने साबा महमूद सर हमें प्रमोट करने की मांग की, कीजिए जो साबा महमूद हैं वो बोल रही है कि सर हमें प्रमोट करने की मांग कीजिए देखियो डियर मैं प्रमोट करने की मांग तो कर सकता हूँ बट आप लोगों को अभी सपोर्ट चाहिए आप लोग वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें अच्छी कमेंट करें मुझे कमेंट अच्छी नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा और ट्वीट करें और मुझे कुछ वीडियो क्लिप्स दें अपने पंद्रह सेकंड से दस सेकंड का बीस सेकंड का जिससे मैं वीडियो अपलोड कर सकूं अपने ट्विटर अकाउंट पे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके जैसा कि अभी देखा होगा आपने एग्जाम्पल चैनल हैक हो चुका है तो उसका भी बहुत से ट्वीट किया मैंने भी ट्वीट किया पर वीडियो नहीं बना पाया कुछ करूँगा बनाऊँगा बहुत जल्दी तो, तो उसका चैनल जो हमारे विवेक सर हैं उनका चैनल थोड़ा बैक आने लगा तो हम अगर मांग करें तो हमारा भी कुछ हो सकता है तो इसलिए आप लोग सपोर्ट करें हम भी आपका सपोर्ट करेंगे नेक्स्ट कमेंट दिखाते हैं आपको वीडियो बना है अभी ये इन्फॉर्मेशन देना बाकी है बहुत फास्ट बता रहे हैं चलिए ब्राइट अकेडमी क्या की जो हमारे दोस्त हैं वो बोले सर आप रोज़ वीडियो अपलोड कीजिए थैंक यू डियर आपने इतनी अच्छी अपील की कि आप रोज़ वीडियो अपील की आप डालिए तो मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि वीडियो रोज़ ही डाल जाए बट कोई नेगेटिव कंटेंट में रहता है तो मैं नहीं डालता हूँ कंटेंट जो अच्छा होगा तभी डालता हूँ कि कंटेंट एकदम सटीक है हाँ सही इन्फॉर्मेशन देना है स्टूडेंट को तभी मैं वीडियो डालता हूँ ओके डिया तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ नेक्स्ट इसकी कमेंट देखते हैं इन दोनों बिल्कुल सही बात कहा है जौनपुर यूनिवर्सिटी को पीछे है इनको स्टूडेंट की फिक्र नहीं है क्या हर रोज कहीं ना कहीं, कहीं कोरोना मरीज़ बढ़ रहे हैं इनका कहना है कोरोना मरीज़ बढ़ रहे हैं और कैसे जौनपुर जो यूनिवर्सिटी का आया था वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी का तो ये लोग कैसे क्या कराएंगे तो इसलिए आप लोग से भी अपील है कि आप लोग भी कमेंट किया करो आपकी भी नेक्स्ट वीडियो में कमेंट शो की जाएगी डीयर आप ओके डी तो आज का जो मेन वीडियो है मेन पॉइंट है उस पर सीधे कम टू द पॉइंट एंड की अपने मुद्दे की बात पर आते हैं कि क्या रहने वाला वीडियो क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं आपको तो जैसा कि स्टूडेंट्स को बस स्टूडेंट्स को डाउट था कि मैं बी टी सी जो भी सेमेस्टर हो तो मैं उनके लिए पास हूँ कि नहीं मेरे लिए कुछ स्पेशल नोटिस नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ न्यूज की कटिंग है जो कि मैंने बता दिया है आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ बोला जा रहा है वर्ष का नया शैक्षिक सत्र एक सितंबर से और तृतीय तृतीय और पंचम सेमेस्टर तथा अंतिम वर्ष की विद्यार्थी की पढ़ाई पंद्रह सितंबर से शुरू होगी बी के देखिए यहाँ पर बोला गया बी एड के विद्यार्थियों को भी पिछली कक्षा के अंकों के आधार पर अंगली कक्षा में प्रमाणित कर दिया जाएगा अब तो एग्री होना यार अब तो लाइक कर दो वीडियो को एंड चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको यहाँ भी कहा गया है बी एड के विद्यार्थियों को प्रोन्नत की मिली अनुमति नखलोग बी एड कक्षाओं में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों को पिछली कक्षा के अंकों पर अगली कक्षाओं में प्रन्नत कर दिया जाएगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अनुमति ली गई है ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन है एक मैं आपको और दिखाता हूँ कुछ यहाँ डी के लिए भी कहा गया है तो डी एल एड दो बैच के प्रशिक्षकों ने ट्विटर पर छेड़ा अभियान जो अभियान है वो छोड़ छोड़ दिया है कि क्या हो पढ़ते हैं पूरा डी एल एड दो एवं 19 बैच के प्रशिक्षकों ने अपने तृतीय प्रथम एवं तृतीय एवं प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं में सत्र के एक साल विलंब हो जाने पर रविवार से ट्विटर पर अपना अभियान छोड़ दिया तो आपसे भी वही बोल वही रहा हूं कि आप लोग भी की अब स्पेशल बीटीसी ऑल बी टी सी वेलफेयर एसोसिएशन एस। 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 एवं संयुक्त प्रशिक्षण मोर्चा ने ट्विटर अभियान तहत तो यही सारी इन्फॉर्मेशन है आप लोग भी पढ़ सकती है अगर आपको ये न्यूज़पेपर चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली मैसेज मुझसे पूछ सकते हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई उमंग नई तरंग के साथ तब तक लीजिए